हाल है जी? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जिसका जो काम है वही होना चाहिए। हेलो, इस समय में अपने स्वामी से सत भी करवा चुकी हूँ और शीत बसंत के लिए हर चीज हर बारे में बता चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शीत और बसंत मेरे पास जरूर आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे। तो अभी मैं उन दोनों को समझाऊंगी, अगर वो मेरा कहना मान लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे फिर तब देखा जाएगा। हेलो, और इस समय में अपनी शीत और बसंत का इंतजार करती हूँ। हेलो, क्या हाल है? हेलो, ठीक हुआ? देखियो रे दिख रही क्या बात है? क्या हुआ? आज पिताजी ने हम दोनों भाई का बहुत पिटाई किया है। पिटाई किया? हाँ माँ। लेकिन क्यों? माँ, हाँ तुम तो सब कुछ जानती हो। अच्छा, हम दोनों भाई ने जो काम नहीं किया अच्छा उसका सजा मिला है दोनों भाई को। आओ, तो तुम्हारे पिताश्री ने तुम दोनों भाई को पिटाई किया है? हाँ माँ, इसीलिए अशुभ आते हुए मेरे पास आए हो। माँ, हम दोनों भाई से जो भी गलती हुआ है माँ, अच्छा हम दोनों भाई को माफ कर दे माँ। आओ, तो तुम दोनों भाई मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो? हाँ माँ। देखो सीध और बसान, मैं तो तुम दोनों भाई को माफ तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ इससे पहले मेरी कुछ बातें हैं, कुछ वादे हैं। अगर मैं जैसा कहूंगी, अगर तुम दोनों भाई मान जाओगे तो इतना दुख झेलने का कोई दिक्कत होगा? माँ बोलो, जो कहोगे अच्छा हम दोनों भाई मानने के लिए तैयार हूँ माँ, लेकिन मेरे पिताजी से बचा लो माँ। अब आए हैं ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है? अब भी देखो कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो सुबह का टाइम है, अब मंदिर भी खुल गया होगा। यहाँ से चलते हैं आलमनगर, और आलमनगर में जाकर के मैं वहाँ पर जाके बैठी रहूंगी जहाँ विवाह वाला मंडप रहते हैं। हाँ, और तुम दोनों भाई अपने अपने चुटकी में यानी अपने अपने हाथों में सिंदूर ले लेना। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट मेरे करीब आ जाना और तुम दोनों भाई मुझसे शादी कर लेना। अरे माँ, क्या हुआ? हम दोनों भाई मर जाऊंगा कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बात कभी नहीं मानूंगा। तू मेरी माँ हो और माँ रहोगे, मैं ऐसा कभी चलूंगा नहीं माँ। सूरज उगने और डूबने का समय बदल सकता है, अच्छा, लेकिन कभी शीत और बसंत का बात कभी नहीं कर सकता माँ, कभी नहीं। मैं तो प्यार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाई मेरे कानों से इनकार कर रहा है रे, मेरे प्यार को नहीं समझता है रे। सोच ले,
जिस फल को मैं एक बार देख लेती हूँ और जो फल मुझे पसंद आ जाते हैं, अगर वो फल मुझे खाने के लिए ना मिले तो मैं वो फल किसी को खाने के लिए रखती हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों को पसंद करती हूँ और मेरे प्यार को तुम इनकार करता है। रारम ज्यादा मारने के लिए